नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं और उनका दुख हमारा दुख है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रेलवे प्रकरण के प्रति सरकार के मन में खोट है और सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल कर दिया जाए। बता दें कि हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय भट्ट ने मीडिया के पूछे गए रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों के सवाल पर कहा कि प्रकरण में न्यायालय में है, जिसके चलते कोई भी बात कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं, जिसके चलते पीड़ितों का दुख उनका दुख है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय में हमारे लोग गए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सब ठीक होगा। इधर रेलवे प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिस वजह से हजारों लोग सर्दी के मौसम में बेघर होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे जिसको अपनी जगह बता रहा है, उस जगह पर कई जगह सरकारी स्कूल, फ्री होल्ड जमीन और शत्रु संपत्ति भी है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वो उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे और हमारी कांग्रेस पार्टी भी रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय में गए, सर्वोच्च न्यायालय से जो रेमेडी मिलेगी हम सब उनके साथ नहीं है, वो तो सर्वोच्च न्यायालय पर ही उम्मीद होगी। हमको कष्ट होता है क्योंकि हमारे ही समाज के लोग हैं, हम ही लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, परेशानियां हो रही हैं। लेकिन कोई चीज़ न्यायालय ने डिसाइड करी है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होती है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सूजी सब्जी साजिश के तहत जो हजारों हजार बाशिंदे हैं जिनकी पैदाइश हुआ हुई है, जिनके दादा परदादा आ रहे हैं और आज उन्हें बेदखल किया जा रहा है सरकार की कमजोर और लचर पैरवी की वजह से। माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे और जो कई परिवार हैं जिनका जिन्हें उनके नाम पर जमीन है, कई बाशिंदे अपनी ज़मीन को फ्री होल्ड करा चुके हैं, ये प्रस्तुति नहीं के पेश नहीं किए गए और ये लचर बहस की वजह से, कमजोर बहस की वजह से ये हर दिन देखने को मिले हैं। और निश्चित रूप से सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार के मन में खोट है और सरकार चाहती है कि इसे किसी भी प्रकार से इसको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। और पूरी कांग्रेस सभी लोग उनके इस जो जो आबादी में जो आबादी है, जहाँ लोग प्रशासन कई दशकों से कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।